हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम टू टेकाज़ॉन। इस वीडियो में मैं आपको Xiaomi के अपकमिंग नोट सीरीज स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है Redmi Note 7। इसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा जो कि f1.8 एपर्चर के साथ आता है और इसमें कैमरा सेंसर भी काफी बड़ा दिया है 1/2 इंच का, तो इसमें लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का होने वाला है। और इसका सेकेंडरी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जिसका एपर्चर है f2.4। ये ऑप्टिकल जूम के काम आएगा और आपके जो बैकग्राउंड ब्लर, बोके शॉट्स वाले पिक्चर्स होती हैं उसके भी काम आएगा। और फ्रंट में दिया 13 मेगापिक्सल का AI कैमरा, उसमें भी पोर्ट्रेट मोड मिलेगा। इस फोन में फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंच का फुल HD ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले। ये फोन 3GB, 4GB और 6GB रैम वेरिएंट के साथ अवेलेबल होगा और स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर के साथ आएगा। और साथ ही मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, यानी कि ये फोन पावरफुल होने के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस भी देगा। अब बात करते हैं इस फोन की मेन हाईलाइट की 48 मेगापिक्सल का कैमरा। देखो, सबसे पहले तो इसमें है स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर इमेजेस प्रोड्यूस करता है अप टू 25 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन। अभी 48 मेगापिक्सल की इमेजेस कैसे प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए आपको पहले मेगापिक्सल और कैमरा सेंसर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आप मेरा स्मार्टफोन कैमरास पे वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो इसे पॉसिबल करने के लिए Xiaomi ने इसमें पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी यूज की है जिसमें 4 इंडिविजुअल पिक्सल्स कंबाइंड होकर एक नया पिक्सल बनाते हैं। तो अगर मैं लेमन टर्म से बात करूं, अगर आप 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 12 मेगापिक्सल। तो ये 48 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन को घटा के 12 मेगापिक्सल की इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। कैमरा सेंसर जो है उसे चाहिए होता है कलर और लाइट इमेजेस प्रोड्यूस करने के लिए। कलर उसे मिलते हैं पिक्सल से और लाइट, एक पिक्सल का साइज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लाइट पास होगी और उतनी ही बेहतर इमेज प्रोड्यूस होगी। इस फोन में एक इंडिविजुअल पिक्सल का साइज है 0.8 माइक्रोन। तो जब ये 4 पिक्सल एक में कंबाइन होते हैं, एक पिक्सल का साइज हो जाता है 1.6 माइक्रोन जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो इसी वजह से 12 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन में भी बहुत ही फाड़ इमेजेस प्रोड्यूस होंगी। इसके अलावा इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा 3.5 mm का हेडफोन जैक। और फाइनली Xiaomi ने इंट्रोड्यूस किया अपने फोन में USB Type-C पोर्ट। तो अब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा अप टू क्विक चार्ज 4.0। इसके अलावा आप इस फोन में स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकंड एट 1080p रेजोल्यूशन। जहां तक इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात है तो ये फोन गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। तो अगर आपका ये फोन गिर भी जाता है, किसी रफ सरफेस पे भी गिरता है, तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ये फोन 3 कलर्स में अवेलेबल होगा, ट्वाइलाइट गोल्ड, फैंटेसी ब्लू एंड ब्राइट ब्लैक। फिलहाल ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चाइना में ये 14 जनवरी से लॉन्च हो जाएगा। और अगर हम चाइनीज करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो 3GB वेरिएंट है वो लगभग 10,300 रुपए में आ सकता है, 4GB वेरिएंट होगा 12,400 रुपए में और 6GB वेरिएंट मिल सकता है 14,500 रुपए में। तो एक फोन जिसमें सारे फ्लैगशिप फीचर्स हो 14,500 रुपए में मिल रहा हो तो क्यों ना लेगा इंडिया। तो अब मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। मैं जल्दी वापस आऊंगा एक और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताने के लिए। Until then, goodbye.